हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं एक ऐसे शेयर से रिलेटेड बातें करने जा रहा हूँ। मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई थी, तो वो शेयर काफ़ी कम कीमत पे मिल रहा था। डेट फ्री कंपनी है, मल्टीबैगर रिटर्न्स दिए है, पिछले एक वीक में 90 एक वीक में 60+% के रिटर्न्स दिए है, 1 मंथ में 90% के रिटर्न्स दिए है। तो ऐसी कंपनी से रिलेटेड बातें करने जा रहा हूँ। मैंने आपको तब भी कहा था कि इस कंपनी में देखिए थोड़ा सा रिस्क रहता ही है जब छोटे शेयर्स होते हैं। ओके, स्मॉल कैप, मिडिल कैप, हर एक में अपने एक लेवल का रिस्क होता है। तो उस रिस्क को तो देखिए शेयर बाजार में हो तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। जो रिस्क लेगा, एक आपने देखा भी होगा कि रिस्क है तो इश्क है, तो वही वाली बात हो गई। अगर आप रिस्क लोगे तो आपका पैसा बनेगा, तो थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। बट अच्छी कंपनी अगर फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो उसमें रिस्क लेने का मजा लोगे तो आपका शेयर डूबने के चांसेस कम रहेंगे और आपको प्रॉफिट के रेशियो काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो मैंने वीडियो बनाई थी तब वो शेयर 30 रुपये का चल रहा था, आज 51 रुपये का वो शेयर चल रहा है। पिछले 5 दिन में ऐसा तेज़ी से वो एक वीक से भागता जा रहा शेयर। कुछ न्यूज़ आई थी उससे रिलेटेड, तो उस वो शेयर भागा और भागते भागते आज भागते ही जा रहा है। तो उसी से रिलेटेड बातें करेंगे। और उसमें वीडियो भी दिखाऊंगा कि मैंने आपको जब बताया था 30 रुपये का शेयर था। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। बट बिफोर दैट आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा एज यूजल कि हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की बेहतरीन वीडियो मैं आपके पास लाता रहूँ, ताकि आपका पैसा बनता रहे। और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और अगर किसी पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बता दीजिए, वो वीडियो मैं आपके लिए डेफिनेटली बनाऊंगा। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। देखिए पहले रिटर्न्स का प्रोफाइल देख लेते हैं, क्योंकि रिटर्न्स देखने काफ़ी अच्छी जरूरी है। 1 डे 20%, मतलब आज के दिन में 20% का उछाल यहाँ पर देखा है। 1 वीक जैसे कि बोला है 65% के रिटर्न, 1 मंथ 90% के रिटर्न, तीन 3 मंथ, 6 मंथ, ईयर टिल डेट, 1 ईयर, 2 ईयर और 10 ईयर्स के रिजल्ट्स भी अगर देखेंगे तो 570.37% के रिटर्न्स यहाँ पर हमें साफ दिखाई दे रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कंपनी में जब कंपनी चलती है ना, जब कोई शेयर चलता है तो ऐसे ही भागता है और अच्छे खासे रिटर्न जैसे दिख रहे हैं ना, 1 वीक में, 1 मंथ में, तो इस तरीके के रिटर्न ही देखने को मिलते हैं। जिसने उसको और कम रेट में खरीदा होगा, बेहतरीन रिटर्न उन्हें मिले होंगे। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो देखिए जो शेयर शेयर है वो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं वक्रांगी। वक्रांगी शेयर में मैंने वीडियो बनाई थी कब, 13 अगस्त को बनाई थी। लगभग 2-3 महीने हो चुके हैं, और उस टाइम शेयर की कीमत कितनी थी, 30 रुपीज़। और मैंने आपको 3 स्टॉक्स बताए थे अंडर ₹30, कि 30 रुपये में सबसे अच्छे 3 स्टॉक्स कौन से हैं। तो उनमें से एक का नाम मैंने आपको बताया था वक्रांगी। 30 रुपये पे शेयर चल रहा था, उसके बाद शेयर गिरा भी है, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अगर हम बात कर लेते तब की अगस्त थी, तो अगस्त में यहाँ पर देखिए 30 रुपये पे शेयर चल रहा था, 31 पे गया, फिर देखिए नीचे भी आया, कितना, 25 रुपये, 24 रुपये तक ये शेयर नीचे आया। उसी कंसोलिडेशन फेज पे चलता रहा, फिर नीचे आया, और देखिए फिर अब जब भागना शुरू किया इस शेयर ने, तो इसने बजाज फिनसर, वो बजाज फाइनेंस का जैसे आपने देखा था ना, इसी तरीके से भागा था, तो इसी तरीके से ये शेयर भागा और मल्टी बैगर रिटर्न 1 मंथ और 1 वीक में इसने आपको दिए हैं। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अच्छी कंपनी में रहना और अच्छे पैसे कमाना, यही हमारा मकसद रहता है। तो देखिए कुछ कुछ प्रॉब्लम भी थी, देखिए अच्छा खासा ये कंपनी चल रही थी, अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रही थी, बट एक केस हुआ, उसमें केस में ये कंपनी आ गई और ये 500-600 रुपये पे चलने, 550 रुपये चलने वाला ये शेयर 500 रुपये के आसपास ये आपको क्रैश होता हुआ नजर आया, और ये शेयर यहाँ पर नीचे आ गया और ये डूब गया। तो इसके पीछे रीज़न था, वो रीज़न मैंने इस वीडियो में कवर किया है। इसका ऊपर लिंक दे दूंगा, तो आप देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगी। बट आपको बताना चाहता हूँ, उस चीज़ से कंपनी बाहर आ चुकी है, क्लीन चिट इसे इस कंपनी को मिल चुकी है। तो अभी डरने की कोई बात नहीं है। देखिए अपन जो लोग थे जो दूसरे, तो वो खरीद इसलिए नहीं रहे थे क्योंकि उन्हें डर लग रहा था कि हाँ दोबारा कोई केस हो गया तो दोबारा शेयर डूब जाएगा, तो वो पैसे नहीं लगा रहे थे। बट अब एग्रेसिवली पैसा लगा रहे हैं, और पैसा लगा रहे हैं। तो देखिए 1 वीक में देखिए 30 रुपये का शेयर 51 रुपये पे चल रहा है, 20% आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा 5 डेज का चार्ट पैटर्न देखिए, 1 मंथ का चार्ट पैटर्न देखिए, 6 मंथ का चार्ट पैटर्न देखिए, हमेशा पॉजिटिव आपको दिखाई देगा। इसके अलावा आज हम देख लेते हैं, देखिए आज की डिलीवरीज की बात की जाए तो लगभग 47% की डिलीवरीज यहाँ पर उठाई गई है। पॉजिटिव पॉइंट्स देखना अब इस कंपनी के, तो 52 वीक लो देखिए 17 रुपये पर शेयर था, 52 वीक हाई 55 रुपीज़ पे जैन में चल रहा था। उस लेवल को लगभग अचीव भी कर लिया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, 42% के शेयर
प्रमोटर्स के पास है, पब्लिक की 57.40% की है, डिविडेंड भी कंपनी देती आई है और डिविडेंड कंटिन्यूस देती है। 2017 में देखिए बोनस भी दिया है 1:1 का, 2017, 2018, 2019, 2020 ओके हमेशा ही डिविडेंड देती आई है। ओके लॉस में केस होने के बाद भी कंपनी ने डिविडेंड दिया है, ये अच्छी बात है। और सर और देखिए कोई भी शेयर गिर भी नहीं है। और अगर हम बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं, देखिए एक डिस्क्लेमर, स्मॉल कैप कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी मीन्स भागेगी तेज ओके गिरेगी भी तेज, जो कि इस कंपनी के साथ हुआ भी है। ओके 500 रुपये पे शेयर चल रहा था, गिरा तो काफ़ी अच्छा गिरा और इसमें वॉलेटिलिटी भी आपको देखने को मिलेगी। तो पी रेशो स्टॉक का 73.8 है, आरओसी 3.30 है। इसे अभी हम छोड़ते हैं, अब कंपनी भाग रही है तो अच्छा खासा आपको रिटर्न्स देकर जा रही है। डेट फ्री कंपनी है, हम सीधे सेल्स देखते हैं। देखिए कंपनी के सेल्स, अब न्यूज़ आई थी कंपनी गिर रही थी तो देखिए यहाँ पर नेगेटिव 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 आपको मतलब गिरते हुए बैट पैटर्न में दिखेगा। बट कंपनी के केस से रफा दफा हुई तो देखिए दिसंबर में फिर दोबारा उसने गेन पकड़ा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये जो असर है, ये कुछ असर उस केस का है, कुछ असर पेंडेमिक का है। ओके तो इस वजह से ये कंपनी के रिजल्ट्स यहाँ पर कम आए। ओके एक्सपेंस कम आया बट स्टिल कंपनी ने प्रॉफिट करके दिखाया, 13 करोड़ रुपए का यहाँ प्रॉफिट है। ईपीएस की बात की जाए तो 1.13 रुपीज का ईपीएस भी है। ओके एज वेल एज हम अगर बैलेंस शीट की बात करते हैं तो बैलेंस शीट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, रिजर्व देखिए कंपनी के कंटिन्यूस रिजर्व 2009 में 247 करोड़ रुपीज के थे, जो अभी लगभग 2531 करोड़ रुपए के इनके पास रिजर्व है। और कंपनी डेट फ्री है, मतलब इसने 2018 से अपने आप को डेट फ्री कर लिया है, किसी भी 1 रुपए का भी कर्ज नहीं है कंपनी के पास। एसेट की बात की जाए 341 से कंपनी के एसेट 2862 करोड़ रुपए के अभी एसेट हो गए हैं। तो हर चीज मतलब कंपनी की बैलेंस शीट की अगर बात की जाए तो 5 स्टार बैलेंस शीट है, क्लीन चिट भी मिल चुकी है। तो आप थोड़ा बहुत पैसा इसमें लगा के आप शुरू कर सकते हैं इसमें इन्वेस्टिंग। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डेफिनेटली पहले पूछ लीजिएगा। प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पर देख लीजिए 42.60, उन्होंने खुद अपनी होल्डिंग यहाँ पर बढ़ा ली है। 2017 में कंपनी पे केस था, फिर 2018-19 में देखिए यहाँ पर से बढ़ाते अपनी हिस्सेदारी थोड़ी 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 स्लाइटली यहाँ पर बढ़ाती हुई नजर आई है। फॉरेन इन्वेस्टर भी थे तो अभी फॉरेन इन्वेस्टर निकल गए थे, तो अभी देखिए 9.97% की हिस्सेदारी फॉरेन इन्वेस्टर के पास है। डीआईएस भी है, गवर्नमेंट का कोई भी हिस्सेदारी नहीं है, पब्लिक के पास लगभग 41.09% की हिस्सेदारी यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी एग्रेसिवली यहाँ पर जून यहाँ पर अगर देखी जाए तो देखिए बाइंग हो रही है। और जैसे कि मैंने आपको बताया 47% की यहाँ पर अभी ही डिलीवरीज आज की डेट में ही उठाई गई है। तो इस शेयर की तरफ, इस स्टॉक की तरफ आप ध्यान दे सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन ये स्टॉक है, बैलेंस शीट काफ़ी अच्छी है, मजबूत है और बिजनेस चलेगा तो डेफिनेटली आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होता हुआ भी नज़र आएगा। तो ऐसी ही अच्छी कंपनी में रहने का होता है और वेट करने का होता है और आपको डेफिनेटली अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। बट दोबारा डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, छोटी कंपनी है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, थोड़ा बहुत पैसा ही लगाइएगा और फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछ लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, एज वेल एज हमारे इस चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब शेयर करिएगा फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।